अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आप सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर से आपके अपने चैनल इनफैट कतर में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का मकसद हमेशा की तरह से यही रहा है कि आप तक कुछ न्यू इंफॉर्मेटिव मालूमात फराहम की जाए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो एक दफ़ा फिर से कतर एक्सपो के मुतालिक है। कतर एक्सपो में हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3 अगस्त को उन्होंने अपना पोर्टल भी ओपन कर दिया है। पोर्टल के ज़रिए आप वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है और उसके बाद आप फॉर्म किस तरह फिल करेंगे और उसके बाद क्या स्टेप होंगे, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई वगैरह करेंगे और पोर्टल पर जाकर आप कैसे फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको तमाम बातों की समझ लग जाए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानिब ताकि अब मैं आपको प्रैक्टिकली तमाम बातों का बता सकूं कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानिब। जो भी आपके पास ब्राउज़र है, मोबाइल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने लिखना है एक्सपो 23 कतर, सही है। इसको लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे पहले ये दोहा एक्सपो 2023.gov.qa ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पे सबसे पहले ऊपर वाली वेबसाइट में आपने आ जाना है। आपने यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपके पास ये टेक पार्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें आपने वॉलंटियर प्रोग्राम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉलंटियर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है इसको और यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये लिखा है अप्लाई टू जॉइन द वॉलंटियर प्रोग्राम, एप्लीकेशंस ओपन। तो ये थर्ड अगस्त को ये ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशंस ये रिसीव कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, सही है। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करना है। डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट आप इसमें क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी। जब आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाए दोस्तों, तो उसके बाद ये आपने फॉर्म जो होगा उसके बाद आपने उसको फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद ये आपको कुछ डेज देंगे, फॉर एग्जांपल 29, 30, 31 अगस्त, इस तरह के इंटरव्यूज़ की डेट इनके पास इस वक्त मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया है तो ये डेट इनके पास मौजूद थी। तो इसी तरह ही आप उसमें से कोई भी डेट अपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करें, इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देने के बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ मज़ीद बताता रहूँगा। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज है 18 साल से ऊपर और जो अवेलेबल हैं कतर में और जो काम करना चाहते हैं और कतर में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें आपको आपको क्या फ़ायदा होगा इसमें पार्टिसिपेट करने का? एक तो आपको एक्सपीरियंस होगा, दूसरा आपका नए लोगों से कनेक्शन होगा, आपको यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा यूनिक और शूज़ वगैरह भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे आइटम्स भी दिए जाएंगे जो आपके आपको याद रहेंगे कि आपने एक्सपो 23 में काम किया है। ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी और सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मील खाना भी दिया जाएगा, साथ में ड्रिंक्स वगैरह भी दी जाएंगी। फिर जब वॉलंटियर ख़त्म हो जाएगा 6 मंथ बाद, आपको फाइनल गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे और लास्ट में थैंक यू इवेंट फॉर एंजॉय इवेंट। अच्छा, तो दोस्तों जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था, पहले आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के बाद आपको एक कंफर्मेशन का पेपर होगा या कोई भी फॉर्म में कंफर्मेशन होगी, आपको कंफर्म किया जाएगा। जैसे ही आपको कंफर्म कर लें
तो आपको ये रोल ऑफर देंगे। ऑफर के बाद आपको आपको ये शिफ्ट सिलेक्शन के लिए भेज देंगे। आपकी शिफ्ट सिलेक्शन होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। शिफ्ट को सिलेक्ट करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको यूनिफॉर्म वगैरह दे दिया जाएगा और आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। सही है, तो ये था तमाम प्रोसेस इस इवेंट का। तो इसी तरह की ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये फ्री हैं, इनको कोई भी किसी किस्म का कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे, कोई सैलरी वगैरह इसकी नहीं है। और आपको मंथ में तकरीबन 7-8 दिन आपको जाना होगा। 8 घंटे की शिफ्ट होगी, डे की भी हो सकती है, इवनिंग की भी हो सकती है, और मॉर्निंग की भी हो सकती है, नाइट की भी हो सकती है। जो शिफ्ट आपको पसंद हो वो फॉर्म में आप सिलेक्ट करेंगे।